दोस्तों वॉइस ऑफ इंडस्ट्री वी पर आवा सभी के भलीकार आया अवजो अली नवाज आरी सर। दोस्तों अज अस थर बाबत नंढड़ी डॉक्यूमेंट्री अवजे अगर पेश कर रहा हूँ जी यकीन अवान पसंद ईदी। सभी दोस्त गुजारिश कलां जिन दोस्त थर के कहीं दिठो ही कोने को इन डॉक्यूमेंट्री के आखिर तीन दिसन तो जी उन थर के वणंदड़ हसीन नज़ारन बाबत जान पवे। थर जैके अक्सर चवन अड़ो मुझे थर है थर जो तस्वर इंदे ही मुझे जहन बागवार थी वो है मुझे चपन से हल्की मुस्कुराहट इं तरी इंदी है जो नंढड़े बार के चपन में माओ जो खीर रेला करे वण लगन है। छाकाण जो थर मुझे लिए रुगो ख्याल कोने रुगो वारी जो भिटू कोने रुगो अकन थुअरन जो वतन कोने पर थर मुझे लिए एक खुशहाल ढावल सरसब्ज शादाब खितो है। भले खड़ी एनजीओ कल्चर थर के भुख्यो देश करे पेश कंदो हुजे पर मुझी नज़र में थर दुनिया जो खुशहाल तरीन खितो है जो खितो शौरी तौर एतरो तो सरसब्ज है जो जडे दुनिया वट लोकडाप जो तस्वर भी न हो उन वक्त थर के मानुन लोकडाप जा कई मिसाल कायम कर डेखारा। सालन ताई पानी के स्टोर करण वरियन ताई अनाज के महफूज कर इस्तेमाल करण अक के काठन में बा बारण मिट्टी में साज ठाए मन पिरबाइण जिन मानुन के मिट्टी सा इश्क होंद है उ मू ही दुनिया जन गोले ते पेंगे पान के घने अरसे ताई जिंदा रखी सकना मुझे थर के मानुन तो दुनिया के सब का पेरी रेशमी खटोलन वेहण जो हुनर सेखारो हथ से भर्त भरे उसन की उणत कई वड्यू लोक कथाओं ठाए गीतन के तरन्नम दियण थर के मानुन की जहनी खुशहाली जो चिट्टो सबूत है। हि पेरिया मानू आन जिन फितरत के वेझे का डिठो है इन आसमान में थींदड़ तब्दीलियन जा ओण गोले लदा इन के मौसम के मटजन की खबर पवी है। कत्यूं तारा निखट वगैरह की कशर करश्माती तब्दीली के समझण इन मानुन लाए को मुश्किल को थर जा मानू ताड़े की तवार डेडर की टाटाम मीह जो अंदाजो कर वा खिणन के कजलन के इन अलग अलग नाव दिना आसमान में खिड़ंदड़ इंडलठिय रंगन में भी साइंसी ओण बुधा सकना इन जण तो थर जो आसमान दुनिया के आसमान का ही निरालो है। गुजरल हफ्ते असा भी थेला कुलन में लटाए निकरी पयासी थर के फितरी हुसन के पेंे जहन में महफूज कर इन सफ़र में मूसा गडो आ मुझा प्रिं प्यारा प्रोफेसर अली अरशद चांदो सिकंदर उनड़ अली रजा मंगरियो असो शायर आतिश फकीर इन सभी खूबसूरत मंजर के अवा तई पोचाण में अयाज अबड़ू अरफा इरफान मेमुन असाजे सथ जा सारथी है। शाम जा पाछा अना लड़िया ही को असो काफिलो नए कोट के किले की मथाई चोटी से बीठल हो। हि किलो मीर करम अली खान तालपुर 1814 ईस्वी में ठहरा जो नए कोट का मिठी वेंदड़ रस्ते ते 3 किलोमीटर के मुफासिले से आए। किले की अदावत में पक्यू सिरू ओसारी में मिट्टी जो गारो चुन इस्तेमाल थियल है। किले जो दीवारों 4-9 फुट थुल्यू हैं। किले की छित मेराबी सिद्धी गोलाई सूरत में ठहल है। इन किले की अदावत उन दौर के बिन किलन का मुनफरद सुहिणी थियल है। हि किलो जैतूणक जबू हाल में अची वो है पर किले जा ओण बुधायन पाया तो ये उन दौर जो शाकार होंद छाकाण जो उन दौर में थर अ तमीराती लिहाज का तरक्की को कई हुई जैसे इन सरकार सगोरी ध्यान दे किले के अंदर पार्क वगैरह लगाए नंढा नंढा पानी का चश्मा ठाराए परे का कई इंदर सियान ज रहन लाए कुछ कमरा तैयार कराया वजन तो ही एक बेहतरीन सियाती माग बनजी सके तो। नए कोट के किले का रवाना थियासूँ मिट्टी की गड्ढी भिट दां सिज अजा पोन पसान में हो तो अस गड्डी भिट से पोची वया हुआस गड्डी त शाम के सिज लहण जो मंजर दिल लुभाइंदड़ हो। उन वक्त अली बाबा जा तारीखी जुमला मुझे जहन से तरी आया हुआ तो आऊँ जडे मिट्टी की गड्डी भिट से बीह मिट्टी के फितरी हुसन के पसा तो मुखा दाँ थी निकरी वे तो घोड़ाड़े अड़ी खूबसूरत धरती से मू वधारी कि कन य हकीकत भी है असा भी इन भिट तां मिट्टी जो मंजर दिठोसी जै अली बाबा जी मन के मोयो एकड़े आर्टिस्टी मन के मोहन जो फन सवाए फितरत बो कें वो हि भिट जमीन की सतह का अटकल 300 फुट ऊंची है। मिट्टी जो शहर उन हंज में 3 चौरस किलोमीटर की एराजी में पखड़ल है।
इन भिट ने मीर फतेह अली खान टालपुर एक दिफाई किलो ठारायो हो जो अगते हली 1857 ईस्वी के जिलसिले में दई वो अजा उत ही सिज लहन के मंजर के पैं अखियन में समायण की जुस्तजू कर रहा हुआ तो प्यारो गफार भी अची वो। गफार चयो तो रात इतने रहूँ था, जगह जो बंदोबस्त कर छो है, अंगूर की धीए के रस जो भी बंदोबस्त किया है, पर सारी संगत जो इसरार हो तो रात अली इस्लाम कोट में रहें जी सुबह जो सवेर उठी अली कारूजर सिज उभरण मंजर ऐसे। मिठी का रवाना थे, रात की थदड़ी हवा जो मजो वे थर की रात में लुत्फ अंदोज थे फौजिया के बुधंदे अची इस्लाम कोट पुगासी। जैसे अस मिठी का इस्लाम कोट वही रहा हुआसी तो मु सोचो हि थर तो हाँ थर रो ही ना है। वड़ा कुशादा रोड, लाइटू, रोशनियों सभी शहर में सुठा सुठा रेस्टोरेंट ठही वह बस इतने असा जी खोट महसूस थी सा पानी की है। जैसे मकामी नुमाइंदा इन पास ध्यान दियन पानी के लाए के जदीद सहूलियतों मुयसर कर दियन तो थर सजे मुल्क में शाहूकार खिते तौर सुनाते वो। रात उते रही सुबह जो पेरे पहर में अची कारूंजर जा सलामी थियासी। हि जो फितरत में अडोल अणमिट अरडो जबल पैं सभी हुसनाकियन से टमटार असें तके रो। मुझू नजरों फौरी तौर कारूंजर की मथाई चोटी जो तवाफ कर लगी हुई जैंता भी केतर शायर थर के हुसन के पैं शायरी में अमर कर छो। कारूंजर लाइ मशहूर है तो रोजानो बमण सोन कमाय दी है, यह गाल मुझी समझ का मथे हुई। जैसे कारूंजर के टकरियन से चढ़ शुरू कर होसी तो उत विख विख से मानन के जड़ी बूटू विकणंदे दिठन, जेतरन ही बीमारियों फायदेमंद बुधायूं पे वही। उनसा गड कुछ मानन के हथन में माखिया जा शीशा भी हुआ तो खुआर भी हो। तदे मुझे समझ में आयो तो वाकई ही कुदरती हुसन सा टमटार अडो जबल आमदनी जो भी वसीलो है। इं कारूंजर के चश्मन नदियन के दिसंदे चाड़ियों चढ़न शुरू कयूसी। कारूंजर की चोटी से पुजन का अग में दोस्तन के चयम त अंग्रेज तरवटियो थलो दिसन जरूरी है छा। जै रूपले कोली जड़े सिंध के अडोल अड़बंग जोधे जवान के शहीद कर छो तो दोस्तन चयो असा तरवटे थले के दिसन न पर रूपले जी बहादरी हशमत जुरत ते उन्हें गजगोड़ सा कैल ललकार जो पड़ाडो बुधन था चाहिए। जै तरवटे जी साम्राज्यत के तबाह कर छो। रूपलो जो पैंजी बां जी बल ते एकड़े पूरे साम्राज्य सा मुंह मुकाबिल थियो हो असा रूपले जी उन्हें हुबल वतनी जो वास वठण था चाहिए। जका संदस कारूंजर सा हुई असा उन्हें दर्द के महसूस करण था चाहूँ जो दर्द रूपले की वनी महसूस कयो। असा रूपले की वनी जो उन तारीखी जुमलन के पैं कनन में महफूज करण था चाहूँ जो उन रूपले से मुखातिब थी चया हुआ तो रूपा जे तू हीणू थी हार मनींदे सिंध के हकन से सौदेबाजी कंदे तो नंगर जो कोल्याणियों मुख्य मेणा डी पर तू जे सिंध ता कुर्बान थी वही तो कारूंजर जो गाट अना भी ऊंचो थी वो। सिंध अजा सुंड नाए थी जी पैं कुख में सवें रूपलन के जन्म दींदी रही जे सिंध ता कुर्बान थींदा रहंदा कदें भी कारूंजर कंध झुकन न दींदा। असा उन्हें फाई वाली हंध के चुमण था चाहूँ जै हंध ते रूपले के लटकायो वयो हो। दोस्तन जा एतरा दलील बुधन का पोए न करण की जुरत मुँह में कोन रही। असा कारूंजर की उन्हें चोटी दा वध्या हुआसी। कारूंजर की चोटी से रुगो तरवट थलो को पर उते अचलासर चश्मो भी है जो पैंजे फितरी हुसनाकी से वह पे। अस कारूंजर जी चोटी ता थर के हुसन के पसी वापस वरिया हुआसी तो एकड़े खोसे असेंगे बुधायो तो इतना भरसा एकड़ी नदी वह थी उ भी दिसो। असो रुख उन्हें नदी दा थो उ नदी तोड़े जो कोस्तान की कोंकर नदी जड़ी तो कोन हुई पर उन्हें नदी जहा आबशार मीह वसण माल यकीन रोमेंटिक हों। उतां थी मोटियासी तो कल्चर डिपार्टमेंट पारा ठहरायल रूपलो कोली मोटल रेस्ट हाउस से आयासी जो पुण ढो शानदार है पर ही घणो महंगो लगो। उसली तौर इन जहाँ रेट सस्ता होजन खपन आम मानुन जी सहूलियत लाए होजन खपे पर मुखे अड़ो कुछ भी नजर ना आयो। उतां बाहर निकरी नंगर के तारीखी मंदिर दिसण का पोए असांजो काफिलो कासबे रवानो थियो जेको पैंजे फितरी हुसन में सजी कायनात जो महवर बणियो बीठो। कासबो जिते मोरन जे टौकन असांजी आजियां कई हुई
असा कासबे जा सरसब्ज नज़ारा डिसंदे घिटियन मां घुमदा वही रामा पीर के 400 साल कदीमी मंदिर ते पड़ाव पयोसीं। मकामी माण्हुनि जो चवण हो त ही मंदिर 400 साल आगाटो आहे ऐं हिन जी नई सिर मरमत 1985 ईस्वी में कराई वई आहे। जेका ॻोठाणी पंचायत पाण में मिली करे कराई आहे। हिन मंदिर जे बिल्कुलु भरिसां ॿनियूं हुयूं, सॼो इलाइक़ो बैराजी लॻो। हिते कमंदे सारियुनि खां सवाइ हर फसल थिए थो, ख़ासि करे हिते बसर ऐं मिर्च जो फसल वॾी आमदनी ॾिए थो ऐं बसर जी ॻंढ बि सिंध में थींदड़ ॿिए बसर खां वॾी थिए थी। हितां जा माण्हू खूहनि ते ट्यूब वेल लॻाराए उन ते ज़मीनूं आबाद कनि था। ॻोठाणनि ॿुधायो त कारूंजर जी हंज में पाणीअ जूं वॾियूं नदियूं आहिनि, जितां जो पाणी आबादी लाइक़ु आहे, पर उते ज़मीनूं घणियूं महांगियूं आहिनि। खूह खोटण जेतिरो ज़मीन जो टुकड़ो 5 लखनि में मिले थो ऐं 5 खां 10 लख ॿिया ख़र्च करे असां हिन ॻोठ ताईं पाणीअ जी लाइन विछाईंदा आहियूं, जंहिं वसीले ई ज़मीनूं आबाद थियनि थियूं। ॻोठ खां कुझु मेल परियां ॿियो शिव जो मंदरु आहे, जेको 1300 साल पुराणो आहे ऐं उते हिकु क़दीमी खूह बि आहे, जितां शुरूआती तौर जा माण्हू पाणी पीअंदा हुआ। हिन ॻोठ जे नाले पवण जे हवाले सां पुछा करण ते ॻोठाणनि ॿुधायो हिन जो असुलु नालो कहवो आहे, जो माज़ीअ में हितां घणियूं कांहूं लंघंदियूं हुयूं ऐं पोइ उन्हनि मां के माण्हू हिते ॻोठ ॿधे वेही रहिया ऐं हिन ॻोठ ते नालो पियो का काईंदड़नि जो ॻोठ कावो। जीअं त कावो लफ़्ज़ उचार में ॾुखियो हो, जेको फिरी थियो काछबो या कासबो। असां अञा उते ई बीठा हुआसीं त वॾे आवाज़ में बिजली कड़कणु लॻी ऐं ॻोठ में मोरनि दाऊं करणु शुरू कयूं। मोर एतिरो त नाज़ुक पखी आहे जो मामूली छिरक पवण ते बि संदनि हीअं फाटी पवंदो आहे, सो हेॾा वॾा ठकाउ ॿुधी दाऊं कीअं न करे। ऐं असां अञा मंदर खां निकिरी अची गाॾीअ में मस वेठासीं त बरसाति शुरू थी वई ऐं असां उते मौजूदु होटल में अची वेठासीं। होटल ते वेठल सभई माण्हू निहायती मोहबती ऐं महिमान नवाज़ लॻा। फौरीअ तौरु असांजे ॿकरीअ जे खीर जी कड़क चांहि पीआरियऊं, तेसीं मींहुं बि बीठो ऐं असांजो काफ़िलो वापसि रवानो थियो। कासबे खां निकिरी रस्ते में हिकिड़े नंढड़े डैम ते चढ़ियासीं, जेको मथां ई टकरीअ ते आहे। हिते नंढा नंढा डैम घणा आहिनि। डैम ते पसार करण खां पोइ रवाना थियासीं भोॾेसर, जिते तारीख़ी मस्जिद ऐं मंदर ते हाज़िरी भरी रखियसीं ऐं असां सिधो रुख रखियो गोड़ीअ जे मंदर जो। उतां हाज़िरी भरे रवाना थियासीं मारूई जे खूह तरफ़। मारूई जे खूह ते पहुतासीं। मारूई जो ई खूह जेतोणे हाणे उहो नाहे रहियो, मसनूई तरीक़े सां उन में पाणीअ जो सिस्टम रखियो वियो आहे, पर सिंध जे हिन तारीख़ी खूह ते सकावत खाते सुठो कमु करायो आहे। म्यूज़ियम बि ठहियलु आहे ऐं उते थर जा रागी बि सॼो ॾींहुं मौजूदु हूंदा आहिनि, जेके हर ईंदड़ खे पिया राग ॿुधाईंदा आहिनि। हिन सॼे सफ़र में जंहिं ॻाल्हि घणो परेशान कयो सा हुई विख ते रेंजर जूं चौकियूं। हर माण्हू खां एतिरी त पुछा ॻाछा पए थी, ॼण उहे के डाकू हुजनि ऐं हर ईंदड़ शाह जी गाॾीअ खे एंट्री पास जारी कई वई। ईअं पियो लॻो ॼण को फ़लस्तीनी इसराइल में दाख़िल थी रहियो हुजे। उतां निकितासीं त ककर बि कारोबार थी अची मिड़िया हुआ ऐं मौसम दिलकश थियणु लॻी हुई। आसमान मथां रिली विछाइजी वई हुई ऐं सॼो ॾेह छांव जी मंदर निगारी करणु लॻो ऐं असां गाॾीअ जी एसी बंदि करे शीशा खोले उन मंदर निगारीअ जो मज़ो वठणु लॻासीं। अञा कुझु अॻु भरो हलियासीं ऐं असां रवाना थियासीं इस्लामपुर लाइ। सॼी वाट में ककर असांजे मथां छांव करियो पए हलिया। उन वक़्तु मूंखे यादि आयो लाखे फुलाणीअ जी जन सां गॾु पखी कतारूं करे पए हलिया ऐं उन्हनि पखियुनि ते नालो पइजी वियो हो लाखे जानी। अहिड़ीअ तरह ककरनि जो ई झुगटो असांजो साथारी हो ऐं रस्ते में हिकिड़ी भिट नज़र आई, जंहिं ते का बि सावक न हुई। वारीअ जो हिकिड़ो दिलि फरेब दड़ो हो। असांजे लाइ इहो हिकिड़ो सवाल बि हो त हिन दड़े ते गाह छो कोन फुटो आहे। पोइ लथासीं वञी दड़े जी मथां ई चोटीअ ते बीठासीं। दड़े जी चोटीअ ते बीह परीं भर जो नज़ारो कयोसीं त परियां ॾहर में रोहिड़े जा वण बीठा हुआ, जिन में ॻाढ़ा गुल टिड़िया पिया हुआ। रतन रोहिड़नि वारो ई ॾहर कंहिं मार्गला पहाड़ीअ खां घटि कीअं हो। एतिरे में परियां खां मोर टवका करणु लॻा त ही पल अञा वधीक हसीन बणिजी विया। उतां सिधो रुख कयोसीं मोराणे चाचे बिलावल जे ॻोठु। मोराणे जो पटु मिठीअ खां निकिरंदे शुरू थिए थो ऐं चाचे बिलावल जो ॻोठु नए कोट ऐं विजूटे जे विच ते आहे। हीउ ॻोठु फितरी उसनाकीअ जे हवाले सां शाइराणो पसमंदर रखे थो। वॾियूं ऊचियूं उभ कपरियूं भिटूं, जेके साओ वेस ढके अञा वधीक वणंदड़ थी वियूं हुयूं,
शाम जा पछाड़ का लम्हा हुआ तो असा जाहिद की उतार के पौतासी अना वेठासी मस त चाचो बिलावल भी पोची वो कोई शुरू थी थर शायरी मौसीकी जो गाल कुछ घड़ियों कचहरी करण का चाचो बिलावल मोकलाय रवानो थो असांजी कचहरी जो नव दौर शुरू थो जैमें अदबी बहस भी हलो त खिल गोग टहक भी गूंजा खुलल आसमान हेठा रखल खटन ते लेटींदे मुंहिंजी त ॼण रात रंगीन बणिजी वई हुई। अध रात व्यामी वई हुई त मूं बि सुम्हण जी कई ऐं सुबुह जो देर ताईं सुतो रहियसि। जॾहिं सिज मथे चढ़ी आयो त आऊं बि उथी वेठसि। जल्दी जल्दी तयारु थी नाश्तो करे सॼी संगत खां मोकिलायोसीं ऐं रवाना थियासीं हैदराबाद। भुल ना है तो मिलो किसने तुम्हें रोका है, भुल ना है तो मिलो किसने तुम्हें रोका है, याद रखना है तो फिर आओ बिछड़ जाते हैं। ऐसा थर का बिछड़ी शहर जो रुख कयोसि। दोस्तों ही हुई थर यात्रा जेका मूं अव्हां खे कराई ऐं मूंखे यकीन आहे त तव्हांखे थर जो ही सफ़र तमामु घणो वणियो हूंदो ऐं तव्हां सभई कोशिश करे हींअर मौसम आहे बरसातूं पवनि पियूं हिकिड़ो भेरो थर जो ज़रूरु चकर लॻायो ऐं थर जी फितरी हुसनाकियुनि खे पंहिंजे ज़हननि में महफ़ूज़ करियो ऐं असांजी हीअ वीडियो पसंदि अचे त वधि खां वधि शेयर करियो सॼी सिंध बल्कि पूरी दुनिया ताईं हिन वीडियो खे पहुचायो त जीअं थर जी हुसनाकीअ खां सॼी दुनिया वाक़ुफ़ु थी सघे ऐं असांजे हिन चैनल वॉइस ऑफ इंडस टीवी खे लाइक शेयर ऐं सब्सक्राइब करण सां गॾु बेल आइकन खे ज़रूरु क्लिक कजो। तव्हांजी महिरबानी थींदी ऐं हाणे अव्हां पंहिंजे मेज़बान अली नवाज़ आरी सर खे ॾींदा इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत।